साथ में यहाँ पर जितने भी मेरे रेज क्लब्स मेंबर्स हैं, सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहूंगी। जितने भी यहाँ पर हमारे टीम है, सभी को फिर से मैं नमस्कार करना चाहूंगी। तो मैं आगे अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाना चाहूंगी, तो सर मैं शुरू कर सकती हूँ? जी 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 मैम प्लीज। सर आप लोगों को मेरा स्क्रीन आ रहा है? जी मैम जी मैम। यस थैंक यू। तो मैं आप सभी को फिर से हमारे जितने भी यहाँ पर रोल क्रांतिकारी टीम है, आप सभी को दिल से तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत है इस बैनर में। और दोस्तों पहले तो मैं जरूर थैंक्स करना चाहूंगी हमारे विजनरी डायरेक्टर्स को, जिनकी वजह से आज कहीं ना कहीं आप और हम इस बिजनेस में सेफ शॉप डायरेक्ट दिल में डायरेक्ट दिल से और साथ ही साथ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वन गोल वन पैशन और वन टीम में काम कर रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं हमारे डायरेक्टर्स के बारे में, तो हमारे जो पहले डायरेक्टर है ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा, फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर हरीश सोदी, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ सेगल, मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर राजू आनंद और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर मिस्टर राजपाल अरोरा को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि दोस्तों कहते हैं जहाँ पर एक आम इंसान का सोच खत्म होता है दोस्तों, वहां से हमारे विजनरी डायरेक्टर्स का सोच शुरू होता है दोस्तों। और आप और हम बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि आप और हमें यहाँ पर इस बैनर के माध्यम से कहीं ना कहीं इस डायरेक्टर्स के विजन की वजह से हमें यहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूंगी हमारे डायरेक्टर्स के लिए एक जोरदार सा ताली हो जाए। थैंक यू। और दोस्तों आगे मैं जरूर फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जितने भी सेफ शॉप के फाउंडर्स लीडर्स, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, मिस्टर संजय जैन, मिस्टर ओम प्रकाश, मिस्टर नसीब ग्रेवल, मिस्टर दिव्या मोती, मिस्टर सनाम सर, मिस्टर नवल सिंह, मिस्टर योगेश कुमार, मिस्टर रवि शर्मा और मिस्टर अविनाश अधिकारी, जो हमारे रोल क्रांतिकारी टीम के फाउंडर लीडर है, जिनकी डिसीजन की वजह से आज आप और हम इस बैनर में यहाँ पर एकत्रित हुए पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे सभी महापुरुष के लिए फिर से एक जोरदार सा ताली हो जाए। थैंक यू। और दोस्तों जैसे मैम ने कहा कि मेरा नाम विकी शेरपा है और मैं यहाँ जयगांव वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। और दोस्तों मैंने भी आप ही लोग की तरह ये बिजनेस प्लान को जब मैं कॉलेज कर रही थी तो मुझे स्टार्ट करने का मौका मिला था। और दोस्तों आज अपने कॉलेज को पूरा करने के बाद इस बिजनेस को मैं फुल टाइम कर रही हूँ। और दोस्तों आज मैं यहाँ पर जयगांव से आप लोगों के बीच में बात कर रही हूँ। और दोस्तों जो यहाँ पर मेरा टॉपिक है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी उस टॉपिक का नाम है हाउ टू ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल ग्रुप मीटिंग। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, अफाइन करते हैं और सेल्स भी लेते हैं, लेकिन वहां तक कि हमारा काम खत्म नहीं होता है दोस्तों, वहां से हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। जैसे कोई हमें सेल्स देता है उसके बाद में उनसे बातचीत करके उनसे हमें काम को आगे लेके जाना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं आगे ग्रुप मीटिंग का मतलब क्या होता है। और ग्रुप मीटिंग is organized by a group leader to complete certain tasks with the help of successful leader or senior. एक group meeting जब एक यार एक group एक चार पांच लोग मिलके एक सर्टन टास्क के लिए या टारगेट के लिए हो या कुछ ड्रीम बनाने के लिए हो, लिस्ट बनाने के लिए हो, जब एक प्लानिंग करते हैं, एक लीडर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजर प्लानिंग करते हैं, लेकिन With the help of successful leader, क्योंकि इस बिजनेस में हम सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक लीडर के माध्यम से। तो कभी भी हम जब ग्रुप मीटिंग करते हैं तो ग्रुप मीटिंग में दो लोगों का रोल होता है। पहला जो रोल होता है वो होता है ऑर्गेनाइजर का, क्यों जब तक एक ऑर्गेनाइजर डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरी टीम में मीटिंग करना है तब तक वो मीटिंग हम फिक्स नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों वो मीटिंग तब सफल होता है जब हम किसी लीडर का समय लेते हैं और उस मीटिंग को हम सक्सेसफुल बनाते हैं। तो उसका कुछ डूज एंड डोंट्स होता है एक मीटिंग का
डूज एंड डोंट्स होता है जो हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है. तो आइए देखते हैं वो डूज और डोंट्स क्या क्या है. अगर हम बात करते हैं डूज के बारे में कि हमें मीटिंग करते समय क्या क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं. दोस्तों पहले तो हमें फिक्स, क्योंकि पहले समय, तब तक हम समय को फिक्स नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है. जैसे आज का समय आप और हम 6:45 को इस मीटिंग में अटेंड क्यों, क्योंकि हमें कल पता था कि 6:45 को आज मीटिंग होने जा रहा है. उसी तरह कभी भी मीटिंग रखने से पहले टाइम को फिक्स होना बहुत ही जरूरी है. और साथ ही साथ मीटिंग कहाँ पर रखना है, किसके घर पर रखना है, एक वेन्यू डिसाइड होना बहुत ही जरूरी है. और दोस्तों जब अगर हमें किसी लीडर का समय चाहिए होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो मीटिंग ऑर्गेनाइजर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक या दो दिन पहले अपने लीडर को बताए कि सर या मैम आपको, आप यानी कि मुझे आपका समय चाहिए, क्या मुझे आपका समय मिल सकता है. तो हमें टाइम, वेन्यू और लीडर का समय फिक्स होना बहुत ही जरूरी है. पहला पॉइंट. हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में. हर ग्रुप मीटिंग का एक टॉपिक होता है. जैसे मान लीजिए कहाँ पर ड्रीम सेशन बनाना है, लिस्ट सेशन बनाना है, या तो फिर एफआईएम का सेशन करना है, टारगेट का सेशन करना है. हर ग्रुप मीटिंग का अपना अपना एक टॉपिक होता है. हम लीडर्स को कॉल तो करते हैं, समय भी मांगते हैं, लेकिन समय मांगने के बाद हमें टॉपिक कि हम वो मीटिंग को क्यों रखना चाह रहे हैं, किस कारण से वजह से रखना चाहते हैं, हम उस मीटिंग में क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो टॉपिक को डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है. तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो भी ऑर्गेनाइजर होता है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. अगर हमारा मीटिंग 7 बजे शुरू होगा तो 15 मिनट वो पहले पहुंचे और वहां पर देखे कि सब मीटिंग के लिए तैयार है कि नहीं है. जो जिस जगह पे हम मीटिंग रखने जा रहे हैं वहाँ पर सब लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचे, वो ऑर्गेनाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो 15 मिनट पहले पहुंचे, लीडर्स आने से पहले 15 मिनट वो पहुंचे और देखे कि वहाँ पर सब बढ़िया है कि नहीं है. और दोस्तों जो ऑर्गेनाइजर होता है उसका और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एंकरिंग करे, एंकरिंग करके जितने भी नए लोग आते हैं सबका वेलकम करे, और साथ ही साथ उनका जो सीनियर आया होता है उनको एडिफाई करे, क्योंकि ये बिजनेस कहीं न कहीं एडिफिकेशन का बिजनेस है. मान लीजिए हम एक मीटिंग में भले संजय जैन सर को बुला रहे हैं, भले राजीव चतुर्वेदी सर को बुला रहे हैं, लेकिन अगर हम एडिफाई नहीं करेंगे तो उस मीटिंग में, उस मीटिंग को रखना कोई फायदा नहीं है. तो कभी भी हम मीटिंग रखते हैं तो जो भी लीडर्स को हम बुला रहे हैं उनका एडिफाई होना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि जैसे एक इंसान का अगर शरीर से अगर हम रीढ़ का हड्डी निकाल दें तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसी तरह ये बिजनेस में भी एडिफिकेशन एक इंसान का रीढ़ का हड्डी होता है, या बिजनेस का रीढ़ का हड्डी होता है एडिफिकेशन करना. तो हमें ये फोकस करना है कि जब भी हम किसी सीनियर को बुलाते हैं, समय लेते हैं, तो उनका एडिफाई करना बहुत ही जरूरी है. और दोस्तों एक मीटिंग में बहुत सारे नए लोग भी होते हैं, लीडर्स भी होते हैं. जैसे हम लीडर्स को एडिफाई करके बुलाते हैं, थोड़ा वेलकम करते हैं, कुछ खाता वगैरह या बुके वगैरह लगा के, उसके बाद में हमें जितने भी नए लोग होते हैं सबको बोलने का मौका भी देना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए प्लान में लोग नहीं बोल पाते हैं, ट्रेनिंग में लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ग्रुप मीटिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम नए लोग क्या सोच रहे हैं, उनका सपना क्या है, उनका विजन क्या है, वो ये बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगा, ये सब कुछ हमें ग्रुप मीटिंग में ही पता चलता है. और वो हमें तब पता चलेगा जब हम नए लोगों को बोलने का मौका देंगे. और दोस्तों ग्रुप मीटिंग में एक बोतल पानी जरूर रखने के लिए बोलना, ये ऑर्गेनाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. जो भी उस घर में, जिस घर पे वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको पहले बोले कि आप एक बोतल या दो बोतल लोगों के अनुसार पानी को रेडी करें, क्योंकि लोगों को प्यास लगता है ना. और नई जगह में जब जाते हैं तो हो सकता है कि हमें थोड़ा शर्म हो नए लोगों को मांगने के लिए, लेकिन अगर वहां पर रखा होता है तो कोई भी उठा के उसको पी सकते हैं. दोस्तों तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें मीटिंग करते समय एक ऑर्गेनाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अगर उस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को जरूर वो ध्यान में रखे. और दोस्तों कुछ डोंट्स है जो हमें
ग्रुप मीटिंग के दौरान नहीं करना है, थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। दोस्तों जब भी ग्रुप मीटिंग होता है, ये ऑर्गेनाइजर का ये काम बनता है कि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो मीटिंग में। जैसे यहाँ पर मीटिंग चल रहा है और वो बच्चा रो रहा है, यहाँ पर मीटिंग चल रहा है कोई फोन यूज कर रहा है, वहाँ पर मीटिंग चल रहा है कोई वहाँ पर बातचीत कर रहा है, तो ये एक ऑर्गेनाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले, सीनियर को आइडेंटिफाई करने से पहले वो सब मैनेजमेंट को देखे, है ना, वहाँ पर एक ऐसे इन्वायरमेंट सेट करे कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। और दोस्तों दूसरी बात, अवॉइड फ्लावर पेटल्स, यानी कि जो हम छिड़कने वाला फूल यूज करते हैं। अभी मान लीजिए किसी घर में मीटिंग हम कर रहे हैं और हम पूरा फूल छिड़का रहे हैं, है ना, तो इससे क्या होगा, किसी और का घर गंदा हो जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम चाहेंगे तो हम सिंपल एक खत्ता यूज कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है, है ना, लेकिन छिड़कने वाला फूल नहीं करना है, इसी से किसी और का घर गंदा हो सकता है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है, अवॉइड हाइटिंग। हम मीटिंग करने के लिए जाते हैं, वहीं चाय कॉफी बिस्किट पूरा खा के आते हैं, अगर मौका मिले हमें लंच भी मिलेगा तो हम लंच भी दबा के आते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमें नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए एक मीटिंग में बहुत सारे नए लोग होते हैं, वो हमें देख रहे हैं, है ना, और जैसे मान लीजिए अब एक ही घर में हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर उसमें अगर चाय वगैरह बिस्किट वगैरह कुछ हम दे रहे हैं तो दूसरा को क्या लगेगा कि अगर मेरे घर में मीटिंग होगा तो मुझे भी ऐसा खर्च करना पड़ेगा, तो कोई दूसरा नहीं चाहेंगे कि उनकी घर में मीटिंग रखने के लिए। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बोतल पानी काफी है प्यास को बुझाने के लिए, कॉफी चाय लंच के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब उनके घर में चेक आएगा, जब उनके घर में हमारी वजह से एक अच्छा इनकम आएगा तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब नए लोग के साथ काम करते हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करने के लिए। चौथा पॉइंट, टाइम मोर देन आवर। कभी भी हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोशिश कीजिए एक घंटे के अंदर पूरे मीटिंग को पूरा करके सबको वापस घर में पहुंच, यानी कि घर में भेजना है। हम मीटिंग करते हैं उसी जगह पे 2-3 घंटा हम लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, जिस घर में हम मीटिंग रख रहे हैं उस घर की जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, और साथ ही साथ जो लोग है ना अपने काम को छोड़ के आए हुए हैं उनको भी ऐसा लगता है कि मीटिंग में तो बहुत टाइम लगता है, हम अगली बार से मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो कोशिश कीजिए कभी भी हम ग्रुप मीटिंग रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर उस मीटिंग को कम्प्लीट करना है। और दोस्तों यानी कि हम जब मीटिंग करते हैं ये भी कोशिश कीजिए कि कभी भी 5 मिनट से ज्यादा बातचीत नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर एक ही इंसान अगर 10-15 मिनट बात करेंगे तो बाकी लोगों को फिर बातचीत करने में समय नहीं मिलेगा, तो कोशिश कीजिए पहले इनको बता देना है, या कोई भी ऑर्गेनाइजर है ना, अभी कभी भी ऐसा होता है हम किसी लीडर को बुलाते हैं आइडेंटिफाई करते हैं और जो मीटिंग का पॉइंट है वो सब हम ही बोल देते हैं, तो जब हमें सब बोलना था तो हमने किसी लीडर का समय लिया क्यों, इससे अच्छा तो हम उनका फोटो दिखा के लेते कि ये मेरा लीडर है ना, ये फाना है ऐसा है, लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनाइजर है, अगर हम किसी लीडर को लेके जा रहे हैं तो हम सिर्फ वहां पर एंकरिंग करके अपने बारे में थोड़ा सा बता के जो भी आगे का काम है वो कौन करेंगे, सब लीडर करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजर को वहां पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में अभी कहीं भी हम मीटिंग कर रहे हैं, हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर हम वीडियो भी दिखाते हैं, वीडियो सेशन अलग होता है, ग्रुप मीटिंग सेशन अलग होता है, उसको मिक्स ना करें। मिक्स करने की वजह से क्या होगा, समय और ज्यादा लगेगा, तो कभी भी ग्रुप मीटिंग में वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, हम वीडियो सेशन में दिखा सकते हैं। और दोस्तों हमेशा हम एक ही घर में मीटिंग रखते हैं, आज भी उसी घर में, कल भी उसी घर में, परसों भी उसी घर में, तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, है ना, और हो सकता है कि उनकी फैमिली को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, है ना, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए अगर हम कभी भी ग्रुप मीटिंग रखते हैं तो अलग अलग जगह रखने के लिए। जैसे मान लीजिए हम 5 लोग हैं तो आज हमने यहाँ पर रखा, अगले हफ्ते हम इनके घर में रखेंगे, फिर तीसरे हफ्ते हम इनके घर में रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हर घर में रखेंगे तो हर फैमिली को पता चलेगा कि ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट होगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी रहेगा। तो हमेशा ये जो चीज है जो हमें नहीं करना है, और ये जितने भी जो नहीं करने का पॉइंट है ये एक ऑर्गेनाइजर का काम है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर होता है जो मीटिंग को फिक्स करता है और उस इन्वायरमेंट को देखता है, तो ये ऑर्गेनाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनको देखना है, वो लीडर उनको पर्सनली नहीं बोलते।
और दोस्तों अभी जैसे मैंने कहा कि जो मीटिंग होता है वो मीटिंग तब सफल होता है जब एक ऑर्गेनाइजर और एक लीडर का बॉन्डेशन होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो ये जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताया, ये पॉइंट्स तो उनके लिए था जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो ग्रुप मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। और दोस्तों अब कुछ पॉइंट्स ऐसा भी है जो एक लीडर का पॉइंट है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर हमेशा ये सोच के एक लीडर को कॉल करता है ताकि उनका जो काम चल रहा है वो और बेहतर हो, रिजल्ट और बेहतर आए, है ना। हर ऑर्गेनाइजर यही चाहता है, उसके लिए वो अपनी टीम को कहीं ना कहीं एक रखते हैं, टाइम फिक्स करते हैं और लीडर का समय लेते हैं। तो जो कुछ पॉइंट्स है जो लीडर को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है ग्रुप मीटिंग करते समय। तो आइए हम देखते हैं वो पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट, एक लीडर पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए हमने कुछ अपने बारे में बताया नहीं, हम ये ठोकरे हैं, वो ठोकरे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो उस मीटिंग में उतना ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगा। वैसे तो जो ऑर्गेनाइजर होता है वो पहले से ही अपना लीडर का आइडेंटिफाई करके रखे होते हैं, फिर भी कभी भी हम किसी भी जगह पे अपनी बातों को शुरू करते हैं तो हमें अपना इंट्रोडक्शन भी साथ में शुरू करना है। और दूसरा पॉइंट जो हम अपनी मीटिंग में शेयर करेंगे वो है, हम अपने कंपनी का आइडेंटिफाई करेंगे और कंपनी के टैक्स रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। जैसे हमारा कंपनी कहाँ पर है, कितना साल लॉन्च हो चुका है, कंपनी कौन कौन से बैंक के साथ काम कर रहा है, आज इनका टैक्स रिकॉर्ड क्या क्या है, हमें कंपनी के बारे में पहला बात डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ हमें आइडेंटिफाई द सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो आज यानी कि हिंदुस्तान का सबसे नंबर वन सिस्टम में हम आप और हम काम कर रहे हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हमारे पास कुछ ताकत नहीं है, आज कहीं ना कहीं आप और हम यहाँ पर है क्योंकि हमने सिस्टम को पकड़ा है ना। तो हमें उस सिस्टम का आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और हमेशा कभी भी किसी भी जगह पे मीटिंग्स होता है, प्रमोट प्लान एंड ट्रेनिंग, प्लान और ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, प्लान और ट्रेनिंग को प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि नए लोगों को नहीं पता चलता है कि ट्रेनिंग कब होता है, नए लोगों को नहीं पता चलता है कि प्लान कब होता है। एक लीडर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस मीटिंग में भले किसी भी टॉपिक पे वो मीटिंग क्यों ना हो, लेकिन प्लान और ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमें ये दो चीज को हमें आइडेंटिफाई या प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ हम ग्रुप मीटिंग में जाते हैं, हम मेमी करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये वो, लेकिन नहीं, हमें जितने भी हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है, हमारे जितने भी अप्लाइंस में आते हैं, उनको भी वहाँ पर आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। भले वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो हो सकता है कि जब हम उनका नेक्स्ट टाइम उनका समय मिले तो वहाँ पर और ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। तो कहीं भी हम जाते हैं, हमेशा अपने सीनियर का, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स का हमेशा आइडेंटिफाई करें, उनके बारे में बताइए। और दोस्तों एक ग्रुप मीटिंग में हमें अपने सेल्फ अचीवमेंट्स के बारे में भी बताना बहुत ही जरूरी है, यानी कि इस बिजनेस में हम पहले कैसे थे, हमने यहाँ पर आके क्या क्या किया, हमने क्या क्या कमाया, हमने क्या क्या सीखा, यानी कि हम बिफोर सेफ शॉप और आफ्टर सेफ शॉप के बारे में ग्रुप मीटिंग में रखना बहुत ही जरूरी है। हमारी टेस्टिमनी को बताना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों और जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो हमें पहले बताते हैं कि हमें उस मीटिंग में इस टॉपिक में बात करना है, या तो ट्रेनिंग के बारे में, या तो प्लान के बारे में, या तो एफआईएम के बारे में, या तो लिस्ट सेशन के बारे में, ड्रीम सेशन के बारे में, या तो मान लीजिए टारगेट सेशन के बारे में, किसी भी सेशन को हमारे जो ऑर्गेनाइजर ने हमें टॉपिक दिया है तो फोकस करें उसी टॉपिक पर, है ना। हम अपना बड़ा के चढ़ा के ज्यादा ना बोले, सिर्फ जिस टॉपिक में जो ऑर्गेनाइजर मैसेज देना चाहते हैं, वैसे तो पॉइंट वही होगा जो ऑर्गेनाइजर बताएंगे, लेकिन सिर्फ हमारा जो वॉइस सिर्फ हमारा होगा, लेकिन वही पॉइंट ज्यादा में फोकस करें जो हमारे ऑर्गेनाइजर चाहते हैं कि उस मीटिंग में हम बताएं। और दोस्तों सबसे बड़ी पॉइंट, हम मीटिंग करते हैं, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग होता है, लेकिन कमिटमेंट भी लेना बहुत जरूरी है कि इस मीटिंग के बाद अभी हम क्या करेंगे, है ना। अगर हमने लिस्ट का मीटिंग रखा है, अभी हम कितने का लिस्ट बनाएंगे, आज शाम तक हम उनका फीडबैक देंगे, है ना। अगर हमने इस हफ्ते इतना सेल्स निकाला है तो हम उसका भी फीडबैक देंगे, है ना। अगर हमने
मीटिंग रखा है, हम टीम बनाएंगे, तो उस टीम का भी हमें कमिटमेंट लेना है कि आप कब तक वो हमें फीडबैक में देंगे। हम कमिटमेंट, हमें कभी भी मीटिंग्स वगैरह होता है तो हमें कमिटमेंट्स लेना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में जो कमिटमेंट लेते हैं वही सफल होते हैं। बिना कमिटमेंट के कुछ होने वाला नहीं है, तो एक मीटिंग में हमें हमेशा कमिटमेंट लेना भी बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, लास्टली बट नॉट द लिस्ट, हमें एक लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनका भी एडिफाई करे, है ना। क्योंकि हम तो कुछ समय के लिए वहां पर बोलेंगे फिर हम निकल जाएंगे, लेकिन जो नए लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजर के साथ में काम करते हैं। तो हमें एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि मीटिंग कंप्लीट होने से पहले जो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम उनका भी एडिफाई करें। जैसे मान लीजिए हम उनका एडिफाई ऐसा कर सकते हैं, जितने भी नए लोग हैं आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि आपको फर्ना लीडर्स के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है ना, आज सर इतना सफल है ना। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप लोग भी सर के साथ काम करेंगे तो आप लोग भी सर के साथ सर के जैसे टीम बना पाएंगे और अच्छा अचीवमेंट लेके पाएंगे, यानी कि ले पाएंगे। बोल के हमें जो ऑर्गेनाइजर है उनका भी एडिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, अभी ये सब तो हो गया ग्रुप मीटिंग जो हम ऑफलाइन में करते थे, है ना। और अभी आपको पता है कि जहाँ पर ग्रीन जोन है वहां पर तो हम ऑफलाइन छोटी छोटी मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जितने भी जगह पे ऑफलाइन मीटिंग होता है हमेशा कोशिश कीजिए दो चीज ध्यान में रखना है। एक तो अपने बैग में छोटा सा सैनिटाइजर हाथ को लगाते रहना है और मुंह में मास्क लगा के हम जहाँ पर ग्रीन जोन है वहां पर हम छोटे छोटे मीटिंग्स वगैरह रख सकते हैं। लेकिन आगे हम बात करते हैं जूम मीटिंग के बारे में जो अभी आज आप और हम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी जमाना हो चुका है ऑनलाइन का और आप और हम बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि अभी है ना लॉकडाउन की वजह से हमें रेगुलर जूम मीटिंग में आने का मौका मिलता है, रेगुलर जूम मीटिंग में सीखने का मौका मिलता है। और हमारे जो गुरु है, महागुरु है, एक समय ऐसा होता था है ना कि उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए हमें टिकट पे करना पड़ता था, वो भी यानी कि 2-3 महीने में एक बार हमें सिर्फ देखने का मौका मिलता था। लेकिन आप और हम बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि हमें अभी जूम ऐप के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से हमें रेगुलर हमारे गुरु महागुरु का आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। लेकिन जूम मीटिंग अटेंड करते समय भी कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है जो मैं आपको आगे जरूर शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, जूम मीटिंग अटेंड करते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला चीज, फॉलो टाइम। जैसे मान लीजिए हमें बताया जाता है कि हमारा 6:45 को मीटिंग हो रहा है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 7:15 में ज्वाइन होता है या 7:30 को ज्वाइन होता है, अभी मीटिंग खत्म होने वाला होता है लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। तो ये जो जूम मीटिंग में भले हम घर में हम सो के भी देख सकते हैं, हम लेट के भी देख सकते हैं, है ना, हम खा के भी देख सकते हैं, लेकिन समय को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। तो हमेशा जूम मीटिंग में कभी भी हमारे सीनियर जब हमें लिंक भेजते हैं तो उसमें हमें दो चीज देखना है, एक टॉपिक कि वो मीटिंग किसके लिए है और दूसरा टाइम कितना बजे है। और वहां पर AM और PM भी ध्यान में रखना है। कभी कभी मीटिंग होता है 6:45 AM पर और हम सोचते हैं 6:45 PM पर होगा, है ना, और हम बताते हैं बाद में तो मैं तो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई, क्यों, क्योंकि मुझे लगा 6:45 PM का मीटिंग था। तो हमेशा टाइम को देखें, टाइम को फॉलो करें। और दोस्तों, दूसरा चीज, ड्रेस कोड। हम जूम मीटिंग में बैठते हैं, है ना, बहुत सारे लोग यानी कि सेंटर बेस में बैठते हैं, बहुत सारे लोग हाफ पैंट में बैठते हैं या जो भी हो, है ना, इसमें हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आगे आपको एक फोटो दिखाया, हम सिर्फ हमें यानी कि जब हम स्क्रीन में देखते हैं हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन जूम मीटिंग एक ऐसा स्क्रीन होता है जहाँ पर हम जो एक यानी कि जो ऑर्गेनाइजर होता है या तो फिर जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हम सबको देख रहे होते हैं, और सिर्फ हमें नहीं जो नए लोग होते हैं वो भी हमें देख रहे होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमारा ड्रेस कोड मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें रोज नया कपड़ा पहन के बैठना है, हमें सज धज के बैठना है, लेकिन ऐसा बैठे कि कोई भी अगर नया आदमी आपको देख रहे हैं तो उनको भी लगे मुझे भी इनकी तरह ही बनना है,
तो ऐसा करके हमें अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी पोल है, तोपाश लीडर है ना, और जितने भी सिल्वर से है ना, या हम एक एक ऐसे पोजिशन पे आ चुके हैं क्योंकि वहां पर लोग हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग हमें देख के काम करते हैं। तो अगर हम ही अगर हापेन में सेंजो बेस में अगर हम बैठेंगे तो आप खुद सोचिए कि क्या इमेज जा सकता है। तो ड्रेस कोड में यानी कि फॉलो करना, ड्रेस कोड को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा पॉइंट, जैसे यहाँ पर हम वीडियो ऑन करते हैं या वीडियो ऑफ करते हैं, हो सकता है कि सुबह का टाइम जितने भी यहाँ पर लेडीज लोग है या जेंट्स लोग है, आप लोग के लिए शायद एक जॉब यानी कि किसी का जॉब हो सकता है या तो फिर किसी का घर का काम हो सकता है, इसके लिए आप वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए वीडियो ऑन करने के लिए। अगर फिर भी अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या आपके पास कुछ यानी कि काम वगैरह है तो इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है, आप वीडियो ऑफ करके भी हमें ऑडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है, म्यूट और अनम्यूट। हमें पता है कि जब हम बोलते हैं तो हमें अनम्यूट करना पड़ता है और जब हम नहीं बोलते हैं तो हमें म्यूट करना पड़ता है। लेकिन जैसे मीटिंग स्टार्ट होने वाला होता है, कुछ लोग अपने फोन को अनम्यूट करते ही वहां पर हल्ला गुल्ला होता है, बातचीत करते हैं, ऐसा बात करते हैं, वैसा बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे एक जूम मीटिंग में कम से कम 100, 150, 200, 500 लोग बैठे होते हैं, तो जैसे हम हल्ला करते हैं वो स्क्रीन में आ जाएगा, है ना, और पूरा पूरा लोगों का नजर कहाँ पर पड़ेगा, स्क्रीन पर पड़ जाएगा। वहां पर कोई बच्चा रो रहा है ना, हम जैसे हम यानी टीम के साथ बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, है ना, लेकिन वहां पर हम स्क्रीन में यानी कि जैसे रफली वर्ड्स यूज कर रहे हैं, किसी और से हम रफली बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर स्क्रीन में दिख रहा है ना, तो इससे कहीं ना कहीं एक गलत इमेज जाएगा नए लोग के लिए। तो हमेशा ये चीज देखिए कि अगर हमें बोलना है तो हमें अनम्यूट करना है, लेकिन अगर वहां पर हमें बोलने का काम नहीं है तो हमें पता है कि हमें म्यूट करना है, तो जरूर म्यूट को ऑप्शन दबाए, ताकि जब वहां पर हमारे अगल बगल में कुछ हल्ला भी हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, तो उससे बाकी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों फिफ्थ में आता है हमारा डिसिप्लिन, अनुशासन, क्योंकि हर जगह पे अनुशासन होता है और अनुशासन की वजह से ही कोई भी काम सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस बिजनेस में भी हमें अनुशासन में ध्यान रखें, है ना, जैसे मान लीजिए हमें पता है कि कोई लीडर बात कर रहे हैं, है ना, हम वहाँ पर जैसे हमारा वीडियो ऑन है, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, या तो मान लीजिए हमारा वीडियो ऑन है, हम इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एक ऐसा चीज है, जैसे एक टीवी में एडवर्टाइज आता है ऊपर वाला सब दिख रहा है ना, उसी तरह वीडियो एक ऐसा चीज है, भले हमें नहीं पता चल रहा है लेकिन लोग कहाँ कहाँ से हमें दिख रहे हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन के साथ में जूम मीटिंग को अटेंड करें। और दोस्तों लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी दोस्तों हम यहाँ पर जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं और हमें कोई वो नहीं है कि हमें एक हॉल में बैठना है या कुछ करना है, हमें अपने घर में जैसे भी हो एक स्क्रीन के आगे बैठना है। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखते तो है, देखते हैं, देखते देखते फिर जैसे वीडियो ऑफ, मीटिंग ऑफ, सब खत्म। लेकिन हमें हमेशा एक डायरी और एक पेन के साथ बैठना बहुत जरूरी है, और कभी भी हमें ऐसा लगे कि हाँ हमें ये पॉइंट यानी कि नोट डाउन करना है, तो उस पॉइंट को हमें नोट डाउन करने की जरूरत नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी ऐसा होता है, हमने अच्छा हमारा दिन में अभी रेगुलर मीटिंग्स हो रहा है ना, या तो हमारा हफ्ते में 2-3 मीटिंग्स होता है, ट्रेनिंग वगैरह होता है, हम सिर्फ सुनेंगे तो हो सकता है कि हम उसको भूल जाए, लेकिन अगर हम उसको नोट डाउन करेंगे तो हम बाद में जाके भी उसका रिविजन कर सकते हैं। और दोस्तों लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टारगेट। हम किसी भी जगह पे मीटिंग सकते हैं तो हमेशा एक चीज में फोकस करें, टारगेट, क्योंकि सब बीमारी का एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई, जो हमारे हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं। तो हमेशा टारगेट पर फोकस कीजिए, कहीं भी आप जाते हैं, ग्रुप मीटिंग में, एफआईएम में, प्लान में, फॉलोअप में, कहीं भी आप जाते हैं, हमेशा लोगों को बताएं टारगेट चल रहा है, टारगेट चल रहा है, और टारगेट में आप हम मिलके
काम करेंगे, हमेशा टारगेट पे फोकस करें दोस्तों। और अभी भी जो टारगेट चल रहा है आपको पता है, ये 15 जुलाई से लेके 14 अक्टूबर तक का टारगेट है, 3 मंथ्स का टारगेट है। और आप और हम भी इटली और एम्स्टर्डम जा सकते हैं इस टारगेट में। तो आप सब तैयार है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आके मैं अपनी बातों को पूरा करना चाहूंगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि अभी जो जो मैंने आपको पॉइंट शेयर किया है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो, और आगे जाके हम उसको फॉलो करेंगे, है ना। और दोस्तों इस मीटिंग के दौरान में अगर मुझसे कोई भी बातचीत करने में, है ना, अगर भूल हो गई हो तो मुझे बड़ी बहन छोटी बहन बोल के आप लोग मैं कि माफ कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे तरफ से था। और आपको जो जो पॉइंट्स अच्छा लगा है वो दोस्तों हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, हमारे सिस्टम की वजह से है। तो मैं यानी कि बताना चाहूंगी कि आप लोग उसको जरूर फॉलो करें। तो लास्टली मैं यहाँ पर अपनी बातों को पूरा करना चाहूंगी, और दोस्तों एक चीज जरूर ये बताना चाहूंगी कि जैसे आज हमारे बीच में हमारे एक टीम का बर्थडे भी है ना, तो मैं चाहूंगी कि हमारे गुरुजी मैम को आशीर्वाद दे। तो मैम का नाम है प्रीति शर्मा फ्रॉम राजस्थान, श्रीराम सर का बेटी है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे गुरुजी भी मैम लोग को, मैम को बर्थडे विश करें, और मेरे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे मैम, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू थैंक यू मैम। तो मैं चाहती हूँ डीकी मैम के लिए जोरदार सा ताली।